मंदसौर में 62वें भव्य मेले का हुआ शुभारंभ। पवित्र नगरी मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मेले का शुभारंभ हुआ। यह मेला हर साल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन बन चुका है। इस मेले में लाखों की संख्या में भक्त भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जिससे मेले की धार्मिक महिमा के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मेले का आयोजन आमतौर पर श्रद्धा और आस्था से भरपूर होता है और यहाँ आने वाले भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। यह मेला मंदसौर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। नगर पालिका द्वारा प्रतिवर्ष लगने वाले कार्तिक मेले का आयोजन इस वर्ष 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जाएगा। यह मेला हर साल स्थानीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को समर्पित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और पर्यटक भाग लेते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे आयोजन और भी आकर्षक बन जाता है। मेले के दौरान विभिन्न स्टॉल, स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाता है। मेले की शुभारंभ के अवसर पर विधायक विपिन जैन, जिला कलेक्टर आदित्य गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, नगर पालिका अध्यक्ष रामादेव गुजर आदि जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। मंदसौर से अक्रम अंसारी की रिपोर्ट। आज भगवान श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मेला का शुभारंभ यहाँ से हुआ है और मेले की सभी व्यवस्थाएं, मेले में अत्यंत पर्सनल सुविधाएं और सभी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जय पशुपतिनाथ। परमाराध्य भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी की स्थापना को वैसे तो 64 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, किंतु नगर पालिका ने वो 2 वर्ष बाद शुरू किया था, इसलिए वो 62वां मेला नगर पालिका का प्रतिष्ठा महोत्सव 64वां है। अन्नदाता सदगुरुदेव प्रत्यक्ष महाराज श्री ने उस कालखंड में अनंत संघर्षों के बाद इस पावन प्रतिमा की स्थापना करी और ये पशुपतिनाथ महादेव जी की जो धरोहर है, ये हमारे मध्य प्रदेश की पूरी शान है, दशपुर का हमारा गौरव है, हमारे पूरे भारत के प्राण है। तो इसका ये पावन प्रतिष्ठा महोत्सव का मेला शुभारंभ हुआ है। आज सभी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ उसका शुभारंभ किया गया। ये पावन मेला जब तक चलेगा, उसके बीच में जो मार्गशीर्ष की जो पंचमी आ रही है, उस पावन पंचमी पर भगवान की स्थापना हुई थी, जो इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है। तो आपके सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि जितना भी उनको समय मिले, समय निकाल करके भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए यहाँ पधारें और आकर के अपने आप को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय महादेव। मेले में एक पुलिस का जो है जो चौकी रहता है वो या टेम्परेरी चौकी बनती है, इसके अलावा यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस के अलावा व्यवस्था रहती है। 3 शिफ्ट में 24 घंटे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी ताकि जो है शांतिपूर्वक पूरा मेले को सफल संपन्न कराया जा सके।